देखिए शराबबंदी की बात करके इन्होंने पूरी महिलाओं से जिस तरह से उनको भावनात्मक रूप से कभी आज घोषणा पत्र में शराबबंदी क्यों नहीं है कर दिया। आपकी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। अबे भैया आपकी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं कोरोना के समय मोदी दवाई भेज रहे थे। भूपेश बघेल दारू भेज रहे थे, घर घर में दारू भेज रहे थे। घर पहुंच सेवा मोबाइल में दारू। यदि देश में कहीं दारू के लिए है तो भूपेश के छत्तीसगढ़ में। घर पहुंच सेवा। हाँ जी मैं आया इधर। कौन जी? बाबूजी नमस्ते, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया? शराब के कारण। अरे रुकिए, कितनी जोड़ी कलम लिए हैं आप गुरुजी? 5-7 जोड़ी। अरे 8-10 जोड़ी लिए हैं। वकील साहब इतने कलम की क्या जरूरत पड़ती है? हेलो, मैं केशव कुमार अग्रवाल हूँ, उच्च न्यायालय अधिवक्ता हूँ, मेरा छत्तीसगढ़ शासन से। अरे मैं पूछा कि इतने कलम की जरूरत, भटो इतने कलम की क्या जरूरत पड़ती है? अलग अलग फीस रहता है। अंदर आइए। आइए अधिवक्ता जी, क्या नाम अग्रवाल साहब पूरा? केशव कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो हर कलम की कीमत अलग है जी? जैसे ये कलम निकाला, इसके इसमें अगर कोई आ जाए तो क्या कितनी कीमत? फ्री। ये वाला 1,000। ये वाला 1,500। ये वाला 2,000। ये वाला 500। और ये वाला? ये वाला 300। और ये वाला 100 रुपए। गजब जादूगर हैं आप भाई। तो इतने कलम का है, एक बार कर लीजिए। नहीं, अलग अलग फीस लेते हैं ना सब। अलग अलग फीस? हाँ, तो अलग अलग मैं दस्तखत करता हूँ और इसी कलम से अलग अलग। हाँ। आप बताइए ये वाला कलम का क्या रेट था? 300। ये तो बोला था 500। नहीं ये इतने कलम में आप भूल गए हो। हम भूल गए? हाँ। तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है, छत्तीसगढ़ सरकार में तो अलग अलग पार्टी आती रहती है, अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग घोषणा पत्र जारी करते हैं। हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो समान जनता को, सबको समान अधिकार दे, अपने कर्तव्य निभाए। पांच साल के लिए जितने के पहले हाथ जोड़ते हैं, जितने के बाद सब जनता से हाथ जोड़वाते हैं। अरे अग्रवाल साहब जा कहां रहे? कलम मेरे हाथ में। ना 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 ना, आप भी एक काम करिए, कोई एक ऐसा कलम भी रखिए जो फ्री वाला हो। गुलाबों की कली तो निस दिन खिलेंगे, गुलाबों की कली निस दिन खिलेंगे। अगर मेरी जिंदगी रहेगी तो हमेशा भैया जी से ही मिलेंगे। फ्री वाला भी रखिए अग्रवाल जी, बहुत जरूरी है जी। बातचीत का सिलसिला जोगी कांग्रेस जी। मुद्दे देखिए सामने है, शराब से लेके और मुफ्त वाली बात तक सारी बातें सामने हैं। देखिए एक जैसा कि हमारी बात आप सरकार के 5 साल के भी बात जी जी, बड़ा हुआ सो क्या हुआ आपने सुना है जी। एक और दुष्यंत की लाइन थी जी, स्वागत है। यूं तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यूं तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार साहब। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। अरे प्राइवेट में कौन सा काम करते हैं? दीनदयाल अंत्योदय योजना में प्लेसमेंट में मैं सामुदायिक संगठक हूँ। वाह, तो कितने लोगों को आपने काम दिया? महिला स्व सहायता समूह का गठन करने का काम होता है, महिलाओं को उनके पैरों में खड़े होने करने का, उनको आगे बढ़ाने का। स्व सहायता समूह मतलब खुद की सहायता करने वाली एक समूह होती है। तो कितनी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं इस समय? एनजीओ ने, ये केंद्र सरकार की योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, DNULM। हाँ, उसमें मैं सामुदायिक संगठक हूँ। सामुदायिक संगठक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूँ आपसे पूछूंगा, काम के आदमी है आप जी। जैसा मैंने कहा कि यूं तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और अब एक चिराग मुयसर नहीं पूरे शहर के लिए, जो बड़े बड़े वादे करके ये सरकार आई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी बातें इन्होंने कही थी सब में एक छोटा सा स्टार लगा था जो जनता को नहीं दिखा, कंडीशन अप्लाइड। इन्होंने कर्ज माफी तो करी जो कहा था किसानों की जी, उसपे ये कह दिया गया कि सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों की। इन्होंने बिजली तो हाफ करी, लेकिन उसके साथ एक IPF का एक और एक उसमें लागू कर दिया गया, और एक चीज चालू कर दी गई, सिर्फ 400 वाट तक की बिजली हाफ है, उसके बाद पूरा लगेगा। मतलब इन्होंने खाली धोखे में रखा। जब 1 अप्रैल को ये शराब की सरकारी कृत दुकानें चालू हुई, भूपेश बघेल जी ने इसका विरोध किया, सरकार आई, लेकिन उसके बाद
उन लोगों ने जिन्होंने इसका विरोध किया उनको सीधे सीधे सरकारी कार्य में बाधा के नाम पे जेल भेज दिया गया। ये लोग बात करेंगे शराबबंदी की, जिनका मुख्यमंत्री सदन में शराब की ब्रांड के बारे में बात करता है वो लोग बात करेंगे। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जो लोग जोगी कांग्रेस में हैं वो पैदा कहाँ हुए हैं, बड़े कहाँ हुए हैं और किस पार्टी से पहचान बनी है? इनके नेता स्वर्गीय अजीत जोगी की पहचान क्या है? कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बताया, हड़का रहे हैं। और अगर शराबबंदी की बात करते हैं तो जोगी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में घोषित करे कि वो शराबबंदी करेगी और जो प्रत्याशियों को टिकट देगी वो शराब हाथ नहीं लगाएंगे। आप पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये अपना ही पढ़ के नहीं आते तो दूसरों को क्या पढ़ेंगे। पढ़िए आप शराब। अरुण जी, मैं चुनावी बात नहीं कह रहा हूँ, पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के। ऐसा ही होता है जब ऐसा ही होता है जब टिकट विकट कट जाता तब ऊपर याद आता है। अगर भूपेश बघेल वाकई में नशाबंदी कर देते और आज भी कह दें कि नशाबंदी करेंगे सरकार बनने के 10 दिन के अंदर, मैं चुनाव में बैठ जाऊंगा, मैं भूपेश बघेल जिंदाबाद करूंगा। 5 साल में नहीं किया, अब क्या करेंगे? वादा तेरा वादा, शराबबंदी होगी नहीं जी। मैं आपको इंट्रोड्यूस किया। हाँ भैया, क्या नाम है? तिवारी जी का चुनाव में खड़े होने का कोई शहर में फायदा भी नहीं है, और जिस बिलासपुर में आज आप खड़े हैं, इस बिलासपुर को पिछले 10 साल में लोग खोदापुर के नाम से जानते थे। ये भूपेश बघेल और शैलेश पांडे इस विधानसभा की उपलब्धि है कि आज आप बिलासपुर शहर में। मैं आया आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। चुपचाप खड़े रहो नहीं तो चुपचाप खड़ो, मैं आऊंगा जी। नो जी, नमस्ते, बहुत देर से खड़ी हैं आप, कहाँ से आना हुआ? मैं बिलासपुर की। बिलासपुर की हैं, मुझे जरा एक थोड़ा सा बातचीत करने दो। क्या नाम है आपका? श्रावणी मेरा नाम है, मैं आपका शो डेली टीवी पर देखती हूँ, तो आज आप हमारे शहर में आए तो मैं सोची आपसे मुलाकात हो जाए। बहुत बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कुछ खास नहीं है। रुको भाई, अरे ना 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 ना, बस मैं बात करने दीजिए, कुछ सवाल है आपके दिमाग? मैं बस आपसे मिलने आई हूँ। बहुत अच्छी बात है जी, आपके मन में जी। अरे एक बार से नहीं, बैठिए, 5 साल बाद नंबर आएगा आपका, एक बार पूछ लिया जी। मेरा नाम मनुराज सिंह है, मैं बिलासपुर का निवासी हूँ। मैं क्या काम करते हैं साहब आप? मैं बिल्डर हूँ, माँ गौरी बिल्डर कान कर। बिल्डर हैं आप, कैसा काम धंधा? बैठ जाइए गुरु जी, चुनाव तो लड़ना नहीं आपको जी। काम धंधा तो बहुत अच्छे से चल रहा है सर, क्योंकि अपना काम धंधा एकदम साफ सुथरा है इसलिए अच्छे से चल रहा है। GST सब बराबर जा रहा है? बिल्कुल, अपना कॉलोनाइजर का लाइसेंस के लिए अपन अप्लाई कर दिए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रभु आपको खूब उन्नति करे। धन्यवाद। और मैं भी थोड़ा सवाल तो नहीं भुला गए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, उसके लिए पक्के हिसाब किताब एकदम कंटस्ट है। अच्छा बोलो सवाल। सवाल ये है कि जो किसी को भी आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है ना, ये सही नहीं है। ये हम लोगों को स्वयं को आकलित करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो या व्यक्तिगत जीवन में स्वयं व्यक्ति ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों को अपने आप को पहले देखना है